भैया भैया मारना, मैं तुम्हें चोर नहीं हूँ भैया। मेरी माँ ना हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की और मुझे यही रास्ता दिखा, इसलिए मैंने। ये ले, अपनी माँ का इलाज करवा रहा हूँ। थैंक यू भैया। तुमने उसे अपनी चैन क्यों दे दी? अगर वो झूठ बोल रहा हो तो? अगर वो झूठ बोल रहा होगा ना तो सिर्फ मेरी चैन जाएगी, अगर वो सच बोल रहा होगा और मैं उसकी मदद ना करता तो उसकी माँ उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती। पैसा और चैन तो हम कभी भी कमा सकते हैं, माँ एक ऐसी चीज़ है जो हम कमा नहीं सकते। तेरियां दीदां नमाजां वर्गियां ने, तेरियां गल्लां साजां वर्गियां ने, सुन सुन अक दीना दिल जे। हाँ तो जनाब ने मुझे प्यार करने के अलावा और भी कोई एम रखा है या नहीं? रखा है ना। क्या? मैं तो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है जिसके लिए मैं प्लान भी कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ खाना खाने की सोचे या फ्यूचर में और भी कुछ करने की सोची है? सोचा है ना, मैं बचपन से ही बहुत बड़ी एक्टर बनना चाहती हूँ और जब मैं एक्टर बन जाऊंगी ना तो मेरी एक रेड कलर की मर्सिडीज होगी, उसमें मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगी। देख लो कहीं तुम्हें उससे पहले मैं अपनी मर्सिडीज में लॉन्ग ड्राइव पे लेके चला जाऊं। देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा कौन किसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। संजू 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 संजू, अरे इतनी एक्साइटेड क्यों है? बताएगी पहले क्या हुआ है? पहले तू एक बार बता कि तू मुझे हर बार रेस्टोरेंट में क्यों बुलाता है? तू पार्क में बुला सकता है, इवन पूरी वीडियो पार्क में शूट हो सकती है, मॉल में बुला लो, क्लब में बुला लो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना है, इसलिए मैं हर रेस्टोरेंट में जाके उसकी कमी और अच्छाई देखता हूँ। वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मेरे पास एक सीरियल से ऑफर आया था, उन्हें मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए उन्होंने मेरे से 50,000 रुपए लिए। 50,000 तुमने दे दिए? हाँ दे दिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे पास मेल आया था, मुझे लगा सब कुछ वेरीफाइड है। तुमने मेरे से पूछा भी नहीं एक बार? पूछने की क्या जरूरत थी, मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज हुई। मेरी बात करा दे जल्दी से। हाँ अभी कराती हूँ। ये वाला नंबर ऑफ जा रहा है। कोई और नंबर होगा? एक मिनट। प्रगति नहीं मिलेगा इनका नंबर। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? ये सब फ्रॉड है प्रगति। ये वो लोग होते हैं जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेने देने नहीं होता। ये तुम जैसे लोगों को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि तुम्हें हीरो बनाएंगे, तुम्हें स्टार बनाएंगे, तुम्हें सीरियल में काम देंगे, पर ये सिर्फ लोगों को पागल बनाते हैं और कुछ नहीं। मैं तुमसे कहूंगा कि इस लाइन को छोड़ दो, हम दोनों अपने रेस्टोरेंट के सपने पे काम करते हैं। जो ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी मेल आई थी मेरे पास, मैंने वो पैसे बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। अब वो पैसे नहीं आएंगे वापस। इस लाइन को छोड़ो और हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और दोनों साथ में काम करेंगे।
इस नक्शे को मैं क्या शहर में कोई भी पास नहीं कर सकता, और इस जगह पर रेस्टोरेंट बनाने का सपना तो छोड़ ही दो। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता तो है। अगर 5 लाख रुपए तो मैं काम करवा सकता हूँ। 5 लाख तो हमारे पास है नहीं। 5 लाख तो हमने पूरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए रखे हुए हैं। अगर वो आपको दे देंगे तो रेस्टोरेंट कैसे खुलेगा? और कोई रास्ता? हाँ है ना, बाहर जाने का। फोन पे तो बहुत खुश लग रही थी, अब जल्दी बता क्या बात है। मैं खुश हूँ, मुझे ना मुंबई से एक ऑफर आया सॉन्ग के लिए, और सबसे अच्छी बात कि वो मेरे से कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे, उल्टा मुझे पे करेंगे। मैंने तुम्हें बोला था ना, ये लाइन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, रिस्क है इसमें, और हम कर रहे हैं ना फ्यूचर के लिए काम हम दोनों। संजू, अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ड्रीम पूरे करने के लिए काम कर रही हूँ। एक्टर बनना मेरा ड्रीम है, और अगर मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ इसका मतलब कि मैं तुम्हारे ड्रीम पूरे करने के लिए काम कर रही हूँ, अपने ड्रीम के लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने सपने जरूरी है तो तुम अपने सपने पूरे करो, मैं अपने। ठीक है, अगर तुम मुझे और मेरे सपनों को नहीं समझ सकते तो हमारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। बाय। संजय देखियो, प्रगति का एक नया गाना है, स्टार हो गए भाई पूरी, रोज नए नए गाने, नई नई वीडियो आ रही है इसकी, पूरी सेलिब्रिटी बन गई। तूने गलत किया भाई, इसको छोड़ के। कभी हुआ ये भी खाली राहों पे भी तू था मेरे साथ, तेरा मुझे कर जाती है दूरियां, सताती है दूरियां, तरसाती है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। आ सकते हो, तुम्हारे सॉन्ग्स और वीडियो देखे मैंने, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। आज मैं वो जिंदगी जी रही हूँ जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी, और कभी कभी मैं ये सोच के घबरा जाती हूँ कि क्या होता अगर मैं तुम्हारे कहने पे ये लाइन छोड़ देती। मैं उस टाइम गलत था, थोड़ा सेल्फिश हो गया था, तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। छोड़ो इन सब बातों को, इनमें क्या रखा है, आज मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट यू। अगर तुम प्यार करती हो तो छोड़ गई भाई। संजू, मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हें छोड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। आई स्टिल लव यू। अभी शर्माती रहोगी या मेरे प्रपोजल का रिप्लाई भी करोगी? आई लव यू टू। तो चलो। कहाँ? अरे तुम भूल गए, मैंने क्या कहा था कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगी। आओ बैठो। आज इसमें नहीं। फिर किसमें? आज उसमें जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी है? वो गाड़ी भी और वो रेस्टोरेंट भी मेरा ही है। देख लो कभी तुम्हें उससे पहले मैं अपनी मर्सिडीज में लॉन्ग ड्राइव के लेके चला जाऊं। चलो। ओ पहले
ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੰਜੂ ਸਰ ਆਪਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੋ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हैप्पन ऐप को जरूर डाउनलोड करना बहुत अच्छी ऐप है और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ दो या तीन पार्ट में आएगी तो मजा आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।